फाइनली डिसाइड हुआ है कि कल मेरे भाई की एनिवर्सरी है 16 जैन, और हम लोग चुपके से 9:30 बजे का टाइम है, हम लोग केक लेने जा रहे हैं। उसको पता नहीं, उसको सरप्राइज देंगे। तो मैंने, क्योंकि गंदा रो रही है अंदर, तो त्रिशा से की मंगाई है स्कूटी। तो मैं शॉप पर पहुंच कर फिर आपसे बात करती हूँ। चलो मैं निकलते हैं। मेरी बेकरी की शॉप। कैसे हो? बढ़िया कैसे बढ़िया, हो? बस आओ। बड़े दिनों बाद आना होता है हाँ, अपना। ठंडी इतनी हो रही। सच में एक दिन सोच रही थी छोटी वाली को लेके उसको मनपसंद दिला लूं। अच्छा, भैया मेरे को ना एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए। कौन कौन से कब फ्लेवर आज में? है? कल? अच्छा, रात के लिए चाहिए होगा। रात्रि है तो नोनो आपको। इधर दिखा केक। अच्छा, कौन कौन से सा लेना? लेना छोटा है? वाला, नीचे वाला? अच्छा, भैया की रसोई दुकान पे, के आरएस बेकरी। भैया को लिए। इंट्रोडक्शन दो करा। ये भैया हमारे फैमिली केक वाले भैया हमारे। अरे भैया फ्रेंड्स, हम लोग केक लिए हैं, सीक्रेट है ये, देखिए। ठीक है, अभी मैं इसको छुपा के रख रही हूँ। करेक्ट 12 बजे हम उसको सरप्राइज देंगे, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। भाभी यहाँ नहीं है, भाई यहाँ है, भाभी वहां है, तो हम उनको वीडियो कॉल पे ले लेंगे। दोनों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। शायद 7-8 साल हो गए उनकी शादी को। तो बस कल का देखते हैं क्या प्लान होगा। मैं छुपा देती हूँ, कराई हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं लाई हूँ ये गुड़ के लड्डू, पॉपकॉर्न, और लेकर आई हूँ मूंगफली। और गाइस, ये मैंने कुछ बनाया है पर ये जम नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। लेट्स सी गाइस, मैं ऑफिस से आ गई हूँ घर, और मैंने घर बनाकर, त्रिशा ने बनाई चाय, चाय के साथ है पार्ले जी बिस्किट, और बस एंजॉय करते हैं चाय। और यहाँ त्रिशा बैठी है, या वृंदा, वृंदा से हाय, हाथ से कर हाय। वृंदा अबे खा ले ना पापा खा रही है, यहाँ है मैक्स। मैक्स, ना। तो जैसा कि गाइस मैंने कल आपको बताया था कि मेरे भाई की एनिवर्सरी है, और हम लोग उसके लिए सरप्राइज के केक लेकर आए हैं। तो सरप्राइज का केक हमें कटवाना तो रात को था, सरप्राइज देकर, पर हम लोग, ठंड इतनी थी कि सब लोग, हम लोग सो गए, इतनी गहरी नींद में सो गए कि शायद 5-10 मिनट पहले ही, मतलब 12 बजने से 5-10 मिनट पहले की बात थी, कि इतना था कि नहीं हम कटवा लेंगे, पर उसके बाद हमें इतनी तेज नींद आ गई थी, हम लोग सो गए। और सोने के बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया हम कल कटवाएंगे। तो आज की प्लानिंग कुछ ऐसे है कि हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर, और अभी केक रखा हुआ है फ्रिज में, और हम लोगों को कट करवाना है। अब लेट्स सी, वो मीटिंग में है ऊपर, और उसको कुछ नहीं पता कि हम लोगों ने केक वेक ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो फिर मिलते हैं आपसे जब केक कट होगा, उसके बाद पापा केक ही है। बॉक्स में उधर तक आवाज आ रही है। वो कुछ सीक्रेट रखना है, उसकी मीटिंग चल रही है कि केक लाए हैं हम लोग, पर मैं उतना ही तेज बोल रही आप लोगों के लिए। क्या हो रहा है मामा? कितनी देर में? कुछ ऐसे अजीब पता नहीं कितनी अजीब देर, कितनी देर में मामा जी आने वाले हैं। तो अभी उसकी मीटिंग चल रही है, और रात के करीबन बज रहे हैं 9। मुझे भी लग रही है बाहर भी जाना है, पता नहीं प्लानिंग सारी ऐसी करती, इतना बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है, क्या ही करेगा। सब इंतजार में बैठे हैं, देखिए वृंदा यहाँ पर, उसके पापा यहाँ पर, मैक्स यहाँ पर, त्रिशा यहाँ पर, दिखा पूछने गई है। अब देखते हैं बाहर का वेदर, देखते हैं। ये देखिए, बाहर बहुत ठंड है, बहुत ठंड है बाहर, बाहर बहुत ठंड है, अंदर ही चलते हैं। बाहर बहुत ठंड है, मेरा मन नहीं था कि मैं बाहर ज्यादा देर खड़ी रहूं, जब खड़ा 2 जैकेट, एक इनर और एक जैकेट पहनी हूं, तब भी इतनी ठंड लग रही है। और वृंदा को देख, वृंदा क्या करेगी, खराब हो जाएगा। एक बार क्या कह रहे हैं? और
रेंट्स लगता है। आज डिनर घर पर ही करना पड़ेगा, जिस हिसाब से उसकी प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग पे पानी फिरने वाला है। तो लेट्स सी, चलो मामा ऊपर चलो। हाँ वेट करेंगे बस 15 मिनट, उसके बाद हम नहीं तो डिनर ऑर्डर कर देंगे, घर पे खाएंगे, क्योंकि आज तो हमने डिनर की प्रिपरेशन भी नहीं की, डिनर बनाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम दोनों तीनों भूख गए क्योंकि ऑफिस से आए हैं। अब उसके बाद पता नहीं उसकी मीटिंग कितनी देर चलेगी, मुझसे बोला था मामा हाफ एन आवर, मीटिंग, मम्मा मामा दीदी हाफ एन आवर की मीटिंग है, मामा उसको मामा क्लोज मामा करके। मीटिंग खत्म हो गई है पर वो मामा कुछ काम कर रहे हो उसकी आप मीटिंग उसकी खत्म हो गई है पर वो काम कर रहा है, काम ये नहीं कि बाद में कर लूंगा, क्योंकि वो तो बोला कि मैंने 5 बजे का कर रखा है लंच दीदी, तो पता नहीं है यार, हम लोग सब उसका ही इंतजार कर रहे हैं। कैसी यूनिवर्सिटी की, अभी जस्ट मीटिंग खत्म हुई है और हम लोग निकल चुके हैं, और वो पीछे आ रहा है, ये देखिए, और ये मैं त्रिषा वृंदा, तो मिलते हैं आपसे पहुंचने के बाद। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं खाने वाली जगह पर, चलो चल आओ। चल चल फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं, आप ये देखिए बहुत स्पेसफुल जगह है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है खाने के लिए, मैं सारी चीजें दिखाऊंगी आपको। ये देखिए वृंदा, रेड कारपेट पे चल रही है हमारी वृंदा, वाह रेड कारपेट पे चल रही है वृंदा। वृंदा हाय आओ, कम कम, यहाँ पर बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था। ये देखिए पूरा डेकोर बहुत अच्छा है यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा लगता है, मतलब मंदिर भी है पास में, यहाँ पीछे आपको दर्शन कराऊंगी। दीदी तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पार्टी हॉल है और यहाँ पर ये डेकोर किया गया है कितना प्यारा, ये फोटो शूट कर सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए पार्टी हॉल, यहाँ पार्टी हॉल है, और आप आओ, और ये देखिए अंदर आए वृंदा, वृंदा यहाँ एंजॉय कर रही है। वृंदा आओ, वृंदा बेटी कम बैक। फ्रेंड्स आज क्राउड बहुत है यहाँ पर और बहुत भीड़ हो रखी है, हमने ऑर्डर तो किया, देखते कितनी देर में आता है, लगता नहीं है 10 बजे बंद होगा, इसका टाइमिंग है 10 बजे का, लेकिन लगता नहीं है इसको देख। लेट्स सी फ्रेंड डिनर का कितनी देर में आएगा, क्राउड देखिए क्राउड कितना है। बहुत अच्छी है, आप किसी भी टाइम आइए, और रेट भी रीजनेबल है, खाने पीने के ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन खाना भी स्वादिष्ट है। तो आप कभी भी अगर ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 की तरफ आते हैं तो प्लीज यहाँ पर एक बार ट्राई करिएगा। चिली पटेटो मंगाए हैं फर्स्ट ऑर्डर, और ये राज कचौड़ी बोलते हैं, राज कचौड़ी और चिली पटेटो, दीदी चाउमीन वगैरह खा के हम लोगों का अब आ रहा है डिनर। डिनर में ऑर्डर किया हम लोगों ने पनीर, पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर, पनीर लबाब का है, और मलाई कोफ्ता एंड नान, और देखते हैं क्या क्या है। लोग हो गए फिर यहाँ से, अब हम लोग निकलते हैं, और ये देखिए आपको दिखा, घर पहुंचकर फिर मिलते हैं। हाय फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं डिनर करकर, और ये देखिए पीछे वृंदा वो आ रही है, और मैं घर पहुंच गई हूँ जस्ट। अब केक कटेगा। तो जैसे कि त्रिषा ने बताया फाइनली गाइस केक कटेगा, केक है ये यहाँ, और भाई है वहां जिसका कल से इंतजार कर रहे हैं, और ये इतना बिजी पर्सन है, इसके पास नहीं है टाइम बिल्कुल भी, पहले मीटिंग, मीटिंग के बाद बहुत देर इंतजार कराया, फिर हम लोग चले गए, हमने डिसाइड किया क्यों ना बाहर डिनर कराते हैं, डिनर करने के बाद फिर हम लोग। ये देखिए आरती आ रही है, दीपक जला, आरती आ रही है करो, वो आरती गाने लगी, मामा जी देखिए अभी भी इंतजार करा रहा है फ्रेंड्स, अगर ये कट हो जाए केक तो आज बहुत बड़ी बात है, ये 2 दिन से केक ऐसी घूम रहा है, कल रात से फ्रिज में रखा रखा। बच्चे ये देखिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं दोनों, वो आरती गा रही थी मेरी बेटी। ड्राइवर को कुछ बोलना चाहते हैं मेरे लिए, ये मेरा छोटा भाई है, नील ब्लू 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 हाँ हाँ ये मेरा छोटा भाई है बड़ा, तो
हाँ जी नमस्कार। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी प्रिय जीजी हैं और ये हमारे प्रिय जीजाजी हैं। इन दोनों ने मिलकर मेरी सालगिरह की वर्षगांठ जो मनाई है उससे मुझे अत्यंत खुशी मिली है। और ओह, बाकी सब खाना छोड़ो, मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ कहना चाहते हो? आप मेरे मैं चैनल पे नए जो फ्रेंड्स बन रहे हैं, देखिए जी, चैनल में अगर मान लो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, नहीं पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और बस कमेंट करें, ठीक है? बाकी तो जो होगा सो देखा जाएगा। 22 तारीख को मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मोदी का छोटा भाई, मोदी का छोटा भाई मेरा भाई, तो समझ लो, आपको बिल्कुल इसी की तरह आपको एक भाषण देते रहेंगे। और ये मेरे साथ मेरे पति थे, मेरे पति थे। कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? कहने का मूड में नहीं है। तो वो कभी भी, आज क्या, वो कभी भी मूड में नहीं होते। तो आप लोग ऐसे ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज ये वीडियो को करती हूँ यही समाप्त, फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ कल। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो। सबको हेलो बोलो। हेलो नहीं, हेलो गाइस। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग भी उनको सब विशेष देना कमेंट कर करके, सब एनिवर्सरी। और यहाँ पर चलो स्टार्ट। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी। कुछ बोलना चाहते हैं मेरे लिए? ये मेरा छोटा नील, भाई है। और ब्लू 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 ब्लू। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है बड़ा। तो हाँ जी नमस्कार। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी प्रिय जीजी हैं और ये हमारे प्रिय जीजाजी हैं। इन दोनों ने मिलकर मेरी सालगिरह की वर्षगांठ जो मनाई है उससे मुझे अत्यंत खुशी मिली है। और ओह, बाकी सब खाना छोड़ो, मेरे फ्रेंड्स के बारे में कुछ कहना चाहते हो? आप मेरे मैं चैनल पे नए हैं, जो फ्रेंड्स बन रहे हैं, देखिए जी, चैनल में अगर मान लो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, नहीं पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और बस कमेंट करें, ठीक है? बाकी तो जो होगा सो देखा जाएगा। 22 तारीख को मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि मोदी का छोटा भाई, मोदी का छोटा भाई मेरा भाई, तो समझ लो, आपको बिल्कुल इसी की तरह आपको एक भाषण देते रहेंगे। और ये मेरे साथ मेरे पति थे, मेरे पति थे। कुछ कहना चाहोगे मेरे बारे में? कहने का मूड में नहीं है। तो वो कभी भी, आज क्या, वो कभी भी मूड में नहीं होते। तो आप लोग ऐसे ही अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज ये वीडियो को करती हूँ यही समाप्त, फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ कल। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।